आज हम बात करेंगे LG के W30 के बारे में, जो कि बहुत ही खास स्मार्टफोन LG ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये जो फ़ोन है वो 10,000 से भी कम के बजट में आता है, और जो स्पेसिफिकेशंस अपने साथ में लेके आता है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं। क्या है इस फ़ोन में ऐसा, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। आ गया है हमारे पास LG का W30। बात करेंगे इस फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों राइट साइड में आपको मिलता है वॉल्यूम अप एंड डाउन कीज़, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको मिलता है सिम ट्रे। टॉप साइड की बात करें तो यहाँ मिलता है आपको हेडफोन जैक, और साथ ही साथ मिलता है आपको सेकेंडरी माइक। बॉटम साइड की बात करें तो यहाँ मिलता है आपको स्पीकर, माइक और साथ ही साथ माइक्रो USB पोर्ट। इसी के साथ साथ बात करेंगे इस फ़ोन के डिज़ाइन की, तो यहाँ पर मिलता है आपको ग्लॉसी फिनिश बैक यूनिबॉडी डिज़ाइन के अंदर। बैक साइड में आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप, फिंगरप्रिंट स्कैनर, और बॉटम साइड में आपको मिल जाती है LG की ब्रांडिंग। दोस्तों साथ ही बात करेंगे इस डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में। यहाँ आपको मिलता है 6.4 इंच का एक HD+ डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन है यहाँ पर 720x1520 का। यहाँ पर आपको बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि ये है एक IPS पैनल। तो दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर डिज़ाइन का पार्ट होता है पूरा, जानेंगे हार्डवेयर के अंदर क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिवाइस के प्रोसेसर के बारे में। तो LG W30 के अंदर आपको मिलता है MediaTek का Helio P22 प्रोसेसर, जो कि क्लॉक्ड है यहाँ पर 2.0 GHz की स्पीड पे, कि बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है इस प्राइस पॉइंट पर। पबजी जैसी एक हाई ग्राफिक गेम मीडियम ग्राफिक्स पे यहाँ पर बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, आपको किसी तरह का कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप्स देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ डिवाइस के अंदर मिलती है आपको 3GB की रैम और 32GB की स्टोरेज। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो बैटरी मिलती है दोस्तों आपको, वो एक की हाईलाइट हो सकता है इस फ़ोन का, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है 4000 mAh की एक हाई कैपेसिटी बैटरी। तो आप अपने डे टू डे शेड्यूल में फ़ोन को बिना चार्ज किए आराम से यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कैमरा की तरफ। LG W30 के अंदर मिलता है आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप रियर साइड के अंदर, जहाँ पे फर्स्ट लेंस जो मिलता है आपको 2 MP का डेप्थ सेंसर मिलता है, जो आपके बैकग्राउंड को ब्लर करने के काम आता है। सेकेंडरी यहाँ पे मिलता है 13 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, जहाँ पर आप वाइड फ़ोटोज़ को कैप्चर कर सकते हैं। थर्ड यहाँ पे मिलता है 12 MP का लो लाइट कैमरा, जो कि लो लाइट में आपको बहुत ही बेहतरीन फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करके देता है। अब बात करते हैं कुछ कैमरा सैंपल्स की, जो हमने रियर कैमरा से यहाँ पे शूट किए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक आउटडोर इमेज की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जूमिंग के बाद भी काफ़ी अच्छी डिटेल्स आपको मिलती है। बात करते हैं लो लाइट इमेज की, तो लो लाइट के अंदर भी काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर इमेजेस आपको देखने को मिल रही है दोस्तों। यहाँ पर आप डेप्थ सेंसर के अंदर से ली गई जो फ़ोटोज़ हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी डेप्थ ये यहाँ पर मेज़र करता है। साथ ही साथ अब बात करेंगे इसके फ्रंट कैमरा के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक सेल्फी क्लिक की है इससे, जिसके अंदर जूम करने पर भी काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग्स आपको देखने को मिलती हैं दोस्तों। तो कैमरा पार्ट यहाँ पर मेरी तरफ से थम्स अप है दोस्तों। तो LG W30 के अंदर एक और बहुत ही खास बात है कि जो W सीरीज़ है ये आती है स्टॉक एंड्रॉयड के साथ में। यहाँ आपको किसी भी तरह का कोई ब्लॉटवेयर देखने को नहीं मिलेगा, और आपको बहुत ही लैग फ्री एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलने वाला है एंड्रॉयड 9 Pie के साथ में। तो दोस्तों ये था LG का W30। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो और फ़ोन दोनों ही बहुत पसंद आए होंगे। कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।